अंतर्गत घटे मोमिनपुरा हत्याकांड में अब नया मोड़ आ चुका है, जहां खोजबीन के दौरान अन्य कई मामलों का खुलासा हुआ है, जिसके विषय में जानकारी देने के उद्देश्य से पुलिस उपायुक्त गौरव भामरे ने पत्रकार परिषद को संबोधित किया। मोमिनपुरा हत्याकांड मामले में तफ्तीश के दौरान कुल 8 पिस्तौल, एक देशी कट्टा और 87 जिंदा कारतूस तहसील पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मोहम्मद सोहेल परवेज, आशीष बिसेन, सलमान खान, इमरान आलम और फिरोज खान का नाम शामिल है। दरअसल पिस्टल की सप्लाई का पूरा काम रैकेट की तरह किया जा रहा था, जिसके तार मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। इमरान आलम नाम का व्यक्ति मध्य प्रदेश के बालाघाट से पिस्टल की सप्लाई कर रहा था और नागपुर के अलग अलग थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये पिस्तौल बेचने का काम हो रहा था। नागपुर पुलिस ने हत्या के मामले की गुत्थी सुलझाने के दौरान इस रैकेट का पता चला और अलग अलग लोगों के घर की तलाशी के दौरान ये पिस्तौल बरामद की गई और इस रैकेट का खुलासा हुआ, जिसमें कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके विषय में जानकारी दी पुलिस उपायुक्त गौरव भामरे ने। पुलिस स्टेशन तहसील यहाँ पे 872/23 ये ऑफेंस रजिस्टर हुआ था अंडर सेक्शंस 302, 201, 325 आर्म्स एक्ट। इस गुने का तपास पीआई बोआ साहब, इन्होंने सीनियर पीआई पाटिल साहब इनके मार्गदर्शन में किया था। इस गुने में जो मेन कॉन्स्पिरेटर था मोहम्मद सोहेल परवेज और उसके दो साथीदार आशीष बिसेन और सलमान खान, इनको हमने अरेस्ट किया था गुने के बाद। और इसमें जो मोहम्मद सोहेल परवेज था, उसकी इंक्वायरी हम कर रहे थे कि उसने जो फायर आर्म जो इसमें यूज़ किया था वो कहाँ से प्रोक्योर किया था। तो इसमें इंट्रोगेशन में हमें पता चला कि मोमिनपुरा का एक क्रिमिनल है फिरोज खान नाम का, उसने मोहम्मद सोहेल परवेज को ये फायर आर्म सप्लाई किया था। फिरोज खान को हमने ताबे में लिया और उसका इंट्रोगेशन करते हुए हमको समझा कि एक इमरान आलम नामक एक वेपन सप्लायर है, बालाघाट का रहने वाला है, वो फिरोज खान को काफ़ी समय से वेपन सप्लाई करता है और फिरोज खान यहाँ पे उसको लोकल मार्केट में बाकी क्रिमिनल्स को दे रहा था। तो इसमें हमने फिरोज खान की जब घरझड़ती ली तो फिरोज खान के घर से हमें परसों के दिन 2 पिस्टल्स, एक देसी कट्टा और कुछ लाइव कैटरजेस मिले थे। और इमरान आलम जो उसका सप्लायर था वो भी पिछले कई टाइम से कलमनाम में रह रहा था, तो उसके घर पर जब हमने घरझड़ती ली तो उसके घर पर भी हमें एक पिस्टल और कुछ लाइव कैटरजेस मिले। ऐसे परसों के दिन हमें 3 पिस्टल, एक देसी कट्टा और 82 लाइव कैटरजेस मिले थे। इसके बाद दोनों का हमने जब इंट्रोगेशन किया तो पता चला कि उन्होंने एक मोहसिन खान नाम का एक आरोपी है गणेश पेट का रहने वाला, उसको और एक मोनू उर्फ इरशाद खान, ये हसनबाग का रहने वाला एक व्यक्ति, इन दोनों को भी इन्होंने वेपन सप्लाई किए थे। तो मोनू और मोहसिन इन दोनों की भी हमने घरझड़ती ली थी, तो दोनों के घर हमें 2-2 पिस्टल मिले थे, टोटल 4 पिस्टल मिले। तो उनके ऊपर भी हमने गणेश पेट पुलिस स्टेशन में 325 का गुनाह दाखिल किया कल। तो टोटल हमें इस पूरे इंसिडेंट में अभी तक 9 फायर आर्म्स हमने सीज किए, इसमें 8 पिस्टल और एक देसी कट्टा है और टोटल 82 लाइव कैटरजेस है। जो वेपन सप्लायर है इमरान और उनका जो लोकल एजेंट है फिरोज खान, उनका भी इंट्रोगेशन जारी है, वो अभी करंटली PCR में ही है। तो इसमें और कुछ वेपन रिकवर करने की पॉसिबिलिटी हम डिनाई नहीं कर सकते, इंट्रोगेशन इसमें कर रहे हैं बेसिकली। अब इमरान जो है वो फिरोज, उनका कहना है कि पिछले 2 साल से वो फिरोज खान को सप्लाई कर रहा था और इमरान बेसिकली बालाघाट का रहने वाला है, बालाघाट में उसके ऊपर कुछ ऑफेंसेस ऑलरेडी है 325 के। तो बेसिकली बालाघाट से ही ये कुछ इनके सोर्स वहाँ पे लग रहा है बालाघाट से। अभी हम पता करें कि इनका कौन मेन सप्लायर था, तो उसका भी इंट्रोगेशन अभी चल रहा है इसमें। हाँ, उनका वेपन ऑलरेडी सीज़ किया हमने, सबसे पहले उनका वेपन हमने सीज़ किया था, वो वेपन फिरोज खान ने सप्लाई किया था। और जब हमने फिरोज खान को और इंट्रोगेशन किया तो उन्होंने ये धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन दिया कि और भी लोगों को उन्होंने वेपन सप्लाई किया है, बाकी लोगों से भी हमने ये वेपन अभी सीज़ किए। मर्डर के ऑफेंस में अभी तक 6 आरोपी हो चुके हैं हमारे, और उसके अलावा कल हमने आर्म्स एक्ट में 2 आरोपी और बनाए, मर्डर में अब शामिल नहीं इसलिए हमने उनको अलग रखा है। तो टोटल पूरे इंसिडेंट में अभी तक हमने 8 आरोपी बनाए अभी तक। कुछ लोगों का क्राइम रिकॉर्ड है, ऑलमोस्ट सबका ही क्राइम रिकॉर्ड है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे, BCN न्यूज़ नागपुर।